चंदा मामा सो गई, सूरज चाचू जागे। जी हाँ, क्योंकि आज आप दुनिया को जगाने वाले मुर्गों के पोल्ट्री फार्म में मेकिंग से ल्यूसेस की पैकिंग तक की जिंदगी तक का सफर देखने और जानने वाले हैं। मैं ट्रेंडी और हमारे साथ है मिस्ट्री, जो आपको मुर्गों की जिंदगी के बारे में बताते चलेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले तुम मुर्गियों के चूजों को इनके नए घर में लाते हैं। इसके बाद अब इन चूजों को लगी है बहुत जोर की भूख और प्यास। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो पहले करते हैं इनके खाने पीने का इंतजाम। इन्हें सोयाबीन के बीजों, कॉर्न और कई तरह के फाइबर के साथ साथ बने पौष्टिक आहार दिए जाते हैं, जिसे खाने के बाद चूजे जल्दी जल्दी बड़े हों। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और खाने के साथ ही साथ पानी का इंतजाम कुछ इस तरह फैक्ट्रियों में पहले से ही रहता है। तो ऐसे ही खाते पीते हमारे चूजे हो जाते हैं मुर्गों में तब्दील। अब हमारे मुर्गे हो चुके हैं तैयार चिकन में बदलने के लिए। ये निकली मशीन और कुछ इस तरह कर दिया इसे सेट मुर्गों को पकड़ने के लिए। फिर मशीन एक एक करके इन मुर्गों को सीधे हैंड बकेट में भर देते हैं। फिर इन बकेट्स को चिकन फैक्ट्री में भेजने के लिए लोडेड मशीन द्वारा इन्हें ट्रक में लोड कर देते हैं। अब इन मुर्गों को लेकर हमारा ट्रक पहुंच चुका है चिकन फैक्ट्री में। रुको जरा, सबर करो। यहाँ पर सबसे पहले इन मुर्गों को मशीन में कुछ इस तरह उल्टा लटका दिया जाता है। फिर ये मशीन इन मुर्गों को उबलते हुए पानी से होकर गुजारती है, जिससे मुर्गे अच्छी तरह से बॉयल हो जाते हैं। और फिर इस मशीन की सहायता से इन्हें अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है। पूरी तरह से साफ करने के बाद यह धारदार मशीन इनके पंजों को इनके शरीर से इजीली अलग कर देती है। और इनके पंजों को भी वेस्ट नहीं किया जाता है, इन्हें स्क्रबर की सहायता से साफ करके अलग रख देते हैं। इसके बाद इन चिकन्स को नए मशीन में इस तरह से लटका दिया जाता है, जिसके बाद काम शुरू होता है हमारे फैक्ट्री के वर्कर्स का। सबसे पहले वर्कर तेजी में काम करते हुए इन मशीनों में लटके चिकन्स की हाथोजड़ी खींचकर बाहर निकाल देते हैं। यह हाथोजड़ी इन पाइपों की सहायता से अलग जगह रख ली जाती है, जिसके बाद चिकन्स के अंदर क्रॉपिंग मशीन से क्रॉप करके अच्छे से साफ कर देते हैं। यह सब काम होने के बाद इनकी आखिरी सफाई के लिए सबसे पहले इनको इस तरह से मशीन से अलग करके क्लीनिंग के लिए चिकन वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहां से यह उबलते हुए पानी से साफ होकर बाहर निकलते हैं। सफाई के बाद इन्हें दोबारा क्वालिटी चेकिंग के लिए बी क्वालिटी सेक्शन में कुछ इस तरह से सॉर्टिंग लाइन में लटका दिया जाता है। बी क्वालिटी चेकिंग के बाद इसे अलग अलग ड्रॉप सेक्शन में ड्रॉप कर देते हैं, जहां से इन्हें पैकिंग के लिए ले जाते हैं। यहां इन चिकन्स को होल बर्ड पैकिंग मशीन में इस तरह से पैक कर देते हैं, पर जिसे कटा हुआ या अलग अलग पीस चाहिए उनके लिए चिकन्स को डिबोनिंग यानी कोन डिबोनर में कुछ इस तरह से लगा देते हैं। अब हमारे फुर्तीले वर्कर्स फुर्तीले तरीके से चिकन्स के अलग अलग पीसेस को अलग अलग काट कर अलग अलग जगह रख देते हैं। और चिकन लॉलीपॉप खाने वाले शौकीनों के लिए तैयार है चिकन लॉलीपॉप। अब चिकन की अनबॉक्सिंग करते हुए वेस्ट पार्ट को अलग निकाल देते हैं। अब शुरू होती है असली कटिंग, जहां हमारे वर्कर्स पूरे चिकन के छोटे छोटे पीस कर देते हैं, साथ ही साथ उसकी छटाई बुनाई भी होती रहती है। फिर इन पीसेस को वेट करते हुए अलग अलग पैक कर देते हैं। सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा डिमांड वाली चीज, जी हाँ, लेग पीस। लेग पीस को काट कर अलग अलग जगह पैक कर दिया जाता है। इसी के साथ मुर्गों की जीवन लीला और हमारे वीडियो की रास लीला यही होती है समाप्त। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी कर दो चैनल को सब्सक्राइब। मजा नहीं, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता